मैं हूँ रामस्वरूप शर्मा। तो इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के कोटला क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ पे सीआरपीएफ 126 बटालियन की तरफ से निशुल्क कैंप लगाया गया है। फ्री मेडिकल लोगों को इसका उपचार लोगों को दिया जा रहा है। सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी हम जानेंगे कि दूर दराज इलाके में जो जहाँ पे वो पहुँचते हैं और लोगों की फ्री अवकाश सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और दवाई के साथ साथ लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी यहाँ पे किया गया है। इस वक्त हम कोटला से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। सर बबली देवी एक चम्मच सुबह से हाँ जी 4-5 दिन बाद इसको इससे शाली हो गई थी बचपन के बाद। अच्छा हाँ बहुत दवाई खिलाई इसको फर्क नहीं पड़ा। तो आप यहाँ पे पहुँचे आज, क्या डॉक्टरों के साथ जांच करवाई है अभी? हाँ बहुत दवाई खिलाई इसको, तो प्राइवेट ऐसे जम्मू में सभी बहुत जाके मैंने खाया। आज आज आपने जहाँ पे चेक करवाया है? आज चेक कराया, करवाने की तुम जा नहीं सकते हैं, किराया भी खर्चना पड़ता है, दवाई भी पैसों से मिलती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई है तो सभी आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ हर साल मुख्य चिकित्सा शिविर केंद्र में आयोजित करती है, जिसमें कि जो खास तौर पे जम्मू रीजन में रियासी ज़िले के अंतर्गत जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे कि नॉर्मल तौर पे मेडिकल फैसिलिटी पहुँच नहीं पाती है, तो वहाँ के लोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, प्लस हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर्स का भी इसमें मदद लेते सहयोग लेते, ताकि जो आम पब्लिक है जो इसके लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो हर हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंच सके, तो उस इलाके में हम पहुंचकर और आम नागरिकों को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, और इससे साथ में जहाँ पर हमारी कंपनी डिप्लॉयड होते हैं उनका आपस में रेपो रिलेशंस भी अच्छा बनता है। चूँकि सीआरपीएफ एक केंद्र की फोर्स है, तो उसमें ये होता है कि नॉर्मल जहाँ हम जहाँ ऑपरेट करते हैं तो उनके साथ भी एक सामंजस्य बना रहे। सर आने वाले दिनों में कहाँ ऑर्गेनाइज करोगे ये कैंप? अभी हमने पहले माहौर में किया था, फिर हमने कोड़ी के पास किया, अब कोटला के बाद में हम बिड्डा के आसपास, बक्कल के आसपास, वहाँ पे भी हम आयोजित करने की प्लान कर रहे हैं। सर जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंप लगाया जाता है और दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, तो जब अगर किसी को ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए होगा हफ्ते का 15 दिन का, तो फिर वो कहाँ कर? नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पे हम कैटर फोर करते हैं कि जो नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं, आम जो बीमारियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे आयोडीन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर रिलेटेड टू आयरन की जो कमी है, उन सब की जो दवाइयाँ होती हैं वो हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, और ज़्यादा कुछ होता है तो उसको हम जैसे 7 दिन का डोज देने के बाद में हम उसको पेशेंट को बताते हैं कि भाई आप जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसका इलाज किया जाए, ताकि वो उसका फॉलोअप कर सके। सीआरपीएफ का कैंप जो है आपने बात की, इससे पहले भी जो है रणपुर में लगाया गया था, और ये मुझे लग रहा है कि तीसरी टाइम जो है कोटला में लगाया जा रहा है, और इससे जो हमारे दूसरा इलाका जैसे संगढ़ में है, कोटला में, इकनी में, और हमारे अड़जैनी जो हमारे लास्ट डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर हमारे जोरी के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 500-700 के करीब जो लोग हैं जहाँ पे मेडिसिन जो है लेंगे, और पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन लगता है, कैंप लगता है यहाँ पे, तो मैं जितने भी यहाँ पे संजय DSP साहब जहाँ पे हैं, इनके 2IC कमांडेंट साहब जी हैं जो आए हुए, 2-4 डॉक्टर्स टीम इनकी है, और इनको मैं बहुत अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इसी तरह से जो है कैंप ऑर्गेनाइज करते रहें जे, और फिर से आने वाले टाइम में और भी जैसे हमारा संगढ़ गांव में वहाँ पे जो है कैंप ऑर्गेनाइज करें, और जैसे हमारा पौनी में कैंप ऑर्गेनाइज करें, पौनी में भी काफ़ी सारी जनता रहती है, भारक वाली साइड में ऑर्गेनाइज करें, और इस तरह इससे पहले भी इन्होंने कोड़ी एरिया में जो है जो हमारा इंडिया का जो है विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, भोर में इन्होंने किया था,
तो इसके उपरांत इनके जो कंसर्निंग जो कमांडेंट साहब हैं इनका कहना है कि फिर से हम ऑर्गेनाइज काम किस तरह करते रहेंगे। जो दूर दराज गरीब लोग हैं जो अपनी जो मेडिसिन सुविधा जो है हॉस्पिटल में जाके नहीं पूरी कर सकते, वो जहाँ जो है फ्री अपना मेडिसिन लेंगे। इसके साथ ही मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आज की डेट में हमारा मेडिकल हॉस्पिटल सुविधा जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है वो भी फिलफुल करें और मेडिसिन की सुविधा भी। दूर दराज से हमारे जैसे हरिचिमा हो गया, दियारगाला, इखनी, गूल, संगड़ से भी और ध्योर, ठेरू, सुजानपुर, काफ़ी दूर दराज एरिए से लोग जो आप देख रहे हैं जहाँ पर आए हुए हैं, उन इन गरीब लोगों को जो सीआरपीएफ की तरफ से जो मदद जहाँ पर मिली है कैंप के माध्यम से, मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनी पंचायत की तरफ से और जहाँ के लोगों की तरफ से सब सीआरपीएफ का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ के जो हमारे कमांडेंट हैं और जो सीओ साहब हैं और इनकी सारी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जो गरीब लोगों की भलाई के लिए जो इस कैंप का आयोजन किया और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं जहाँ पर, और इसके साथ साथ इन्होंने जो खाने का व्यवस्था की है जहाँ पर लोगों की, और मैं उसके लिए भी इन सब जो इनकी जो मेहनत मशक्कत मैं और आपके साथ मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो आर्मी है, जो हमारी फौज है, ये एक ये दर्शाती है कि नहीं, हम देश की रक्षा के साथ साथ हम समाज सेवक। और आज यहाँ सीआरपीएफ के द्वारा आज यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और ये फ्री में है बिल्कुल। यहाँ से यहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, जहाँ जो इंसान हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकता वो यहाँ पे पहुँच सकता है आसानी से, और ये बहुत अच्छा चेकअप कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए।